again. Done? Yeah. This is for you. Don't lose it. Give me your Ray-Ban. मेरे को भी जो है इन्होंने फिंगर लेने के बाद एक कार्ड दिया और अभी मैंने जो है अपना बैंक का IBAN नंबर दे दी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो है आज के व्लॉग में आपका भाई जा रहा है जिम ज्वाइन करने के लिए और देखते हैं भाई क्या रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे जिम ज्वाइन करने के लिए, कितनी फीस लगती है। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि जो है फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दूँ, लेकिन वक्त की मसरूफियत और तमाम सिचुएशन से जो है हैंडल करने के बाद अब जो है आपके भाई का इरादा बन गया आज जिम ज्वाइन करने का। तो जिधर मैं काम करता हूँ उधर नज़दीक ही जो है मैंने एक जिम देखा, मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन कर लूँ, जो भी मुझे वक्त मिलेगा उसमें जो है आपका भाई थोड़ा सा फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान देगा। तो अभी ये सामने टाइम टू फिटनेस 24 और अभी टाइम टू फिटनेस 24 के अंदर जाएंगे और पूछेंगे कि भाई कितने की एडमिशन फ़ीस है, क्या सिस्टम है सारा। लेडीज़ बैठी हुई हैं अंदर और कुछ जो है ख़ूबसूरत जिम है बड़ा। अभी आपका भाई ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आया, पहले मैं यहाँ पे आके सारी इंफॉर्मेशन लेके गया हूँ और लेडीज़ ने मेरे को अच्छे से गाइड किया था। अभी देखें यहाँ पर प्लान ऑफ फैमिलिया, प्लान ऑफ नॉर्मल, प्लान ऑन लीवर, डेबिट डायरेक्टो। अभी ज्वाइन करते हैं और जब ज्वाइन हो रहा होगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हल्की फुल्की फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए भाई और आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतरी की तरफ जाएगी लाइफ इंशाल्लाह। तो अभी मेरे आगे एक लेडीज़ खड़ी हुई हैं, ये देखें इनका नंबर है, ये बात वगैरह कर रही हैं। इनके बाद जो है हमारी बारी आएगी और फारिग टाइम में जो है भाई अब आपका भाई जो है सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखेगा इंशाल्लाह। तो अभी अपना नंबर आता है तो पूछता हूँ क्या रिक्वायरमेंट है। भाई आपके भाई से पासपोर्ट मांगा गया है और मैं पासपोर्ट दे रहा हूँ और टाइम 24 फिटनेस जिम है। हाउ मच आई पे फॉर 1 मंथ? सिस्टम पर देखा जा रहा है कितनी फीस पे करनी है। रमज़ान चल रहा था तो मैं सारी डिटेल लेके गया था इनसे। अभी सिस्टम पे कुछ ईमेल वगैरह करके चेक कर रही है, उसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट बताएंगे। मैं इससे पूछा कि आपके पास पासपोर्ट है, मैंने बोला मेरे पास पासपोर्ट नहीं है क्योंकि मैं तो इस टाइम काम से आ रहा हूँ डायरेक्ट, तो मुझे बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं पहले सारी डिटेल लेके गया हुआ हूँ। तो अभी जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ मैंने इनको मंथली क्या पे किया है और क्या चीज़ें मैंने इनको शो की हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हैं और मेरा ब्रेक ख़त्म होने में और आंटी की जो बात या अब्दुल इसमी आंटी की जो है वो बातें नहीं ख़त्म हो रही। मेरा सिर्फ 2 घंटा ब्रेक में रह गया है। अभी जो है मैंने पासपोर्ट दिया और मेरे रजिस्ट्रेशन कर लिए। ये जिम चूज़ करने की एक और वजह ये भी थी कि ये मेरे काम से बहुत नज़दीक है और जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ रेस्टोरेंट फील्ड में जो है आपका पॉज बीच में बहुत लंबा होता है, तो उस पॉज में जो है इंशाल्लाह फिज़िकल फिटनेस का ध्यान देंगे। अभी जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गया। अच्छी बात यह है कि ये लोग इंग्लिश जानते हैं थोड़ी बहुत। बाकी यहाँ पर प्रोटीन वगैरह भी पड़ा हुआ है लेकिन अभी हम हल्का फुल्का स्टार्ट करेंगे जिम। काफ़ी अर्से पहले किया था और जब मैं पुर्तगाल आया था तब से मेरा माइंड था कि मैंने जिम स्टार्ट करना है, होपफुली जो है अच्छा चलेगा। अगेन डन? या दिस इज फॉर यू, डोंट लूज इट। गिव मी योर आईबान। मेरे को भी जो है इन्होंने फिंगर लेने के बाद एक कार्ड दिया और अभी मैंने जो है अपना बैंक का IBAN नंबर दे दी जिससे जो है ये लोग अमाउंट डिटेक्ट कर सकेंगे बैंक की। दिस वन इज माई IBAN नंबर। ये काट दिया मेरे को 3 बार मेरे फिंगर लेने के बाद दोनों उंगलियों के। अब मैं इनको अपना IBAN नंबर दे रहा हूँ ताकि हर मंथ जो है ये ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से पैसे डिटेक्ट कर सकेंगे। थोड़ी बहुत डिटेल ली मेरे से, एड्रेस, NIF नंबर और पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की डिटेल और अब IBAN नंबर और ये जो है 24 फिटनेस का कार्ड है। दिस इज़ माई IBAN। अब
जो है वो मेरा आईबीएन नंबर लिखेगी और उससे ऑटोमेटिकली जो है हर मंथ इनके पास अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। मैं पूछता हूँ अगर मैंने छोड़ना हुआ तो कितना टाइम पहले मेरे को इनको बताना पड़ेगा। भाई एडमिशन तो हो गया है और मैं आप लोगों को बताता हूँ वेयर इज द रूल्स। एडमिशन हो गया है, एडमिशन में जो है कुछ रूल्स भेजे हैं मेरे को ईमेल पे और उनको जो है अभी एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट हो गया। अब जो है मैं चेक कर रहा हूँ मेरा कार्ड काम करता है नहीं करता। यहाँ पे जो कार्ड लगाना लाइक दिस भाई सी बारा हाँ नो सर विद द कार्ड एंड योर फिंगर Oh, damn it. First the card, then now your finger. Any finger? No, the finger that you... Okay. Abdul Bashir. भाई सिंह कुछ इस तरह है कि बाहर से जब आप लोग आएंगे तो आपने कार्ड लगाना है, कार्ड लगाने के बाद फिंगर लगाने। एडमिशन हो गया है, कार्ड भी मैंने ले लिया है, पर एक बहुत बड़ा भंड हो गया। भंड ये हुआ कि भाई उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन में जो है एक तो आपके पास टॉवल होना चाहिए और दूसरा जो है टॉवल के साथ जो है आपके पास जो है आप ट्राउज़र में या शॉर्ट में होने चाहिए हो, जिसमें आप आराम से जो है फ्लेक्सिबल रह के जो है अपना एक्सरसाइज कर सको। तो मेरा तो काम से ऑफ हुआ था ब्रेक और मैं जो हूँ डायरेक्ट मैंने जीन्स पहना हुआ था, दूसरा मेरे पास टॉवल भी नहीं था। तो टॉवल तो वो वहाँ पे दे रहे भी थे, सेल आउट भी कर रहे थे, बट लिटिल बिट एक्सपेंसिव और मैंने उसको पेमेंट कर दी जिम की। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद जो है मेरे पास तकरीबन एक घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि कल जब जिम ही स्टार्ट करना है तो आज जो है टॉवल भी परचेस कर लिया जाए और दो शॉर्ट मेरे पास एक दो पड़े थे तो मैंने बोला एक शॉर्ट भी एक्स्ट्रा ले लें। तो अब एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है मैं निकला हूँ, प्री मार्क गया था, मैंने बोला आंटी तो 10 यूरो का जो है वो टॉवल दे रही थी, तो सबसे जो है रिजनेबल प्राइस के अंदर जो है आपको टॉवल वगैरह जो है वो प्री मार्क में ही मिल जाएगा। तो जिम के लिए मैंने टॉवल लिया और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक टॉवल है मैंने लिया और एक जो है शॉर्ट लिया। तकरीबन 11 यूरो मेरे यहाँ पे खर्च हुए और 35 वहाँ पे, तो तकरीबन 46 यूरो में मेरे को जिम की स्टार्टिंग पड़ गई। अब जो है तकरीबन मेरे पास ऑलमोस्ट 30 मिनट है और मैं जा रहा हूँ काम पे, तो कल से जो है जिम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज जो है आंटी ने मेरे को बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशन है सबको फॉलो करने पड़ते हैं। अभी फिर मैं चलता हूँ यहाँ से काम पे और तैयारी पक्की है। काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे माजिद भाई जिम का क्या सीन है, जिम का क्या सीन है, तो वो आपका भाई जिम भी करेगा, अंदर इक्विपमेंट भी दिखाएगा, थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देंगे। कल मिलते हैं दोपहर में इंशाल्लाह, आपका भाई जाएगा और आप ज़रूर ब्लॉग देखेंगे, अंदर से दिखाऊंगा आपको जिम कैसा बना हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, भाई को सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, हमेशा नई से नई चीज़ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।